हेलो माय लवली व्यूअर्स, मैं दुर्गेश सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास ट्वेल्थ का ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर की एक्सरसाइज 8B, जिसमें आप सीखेंगे किस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में बदलते हैं विद रूल्स। आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आप पढ़ने वाले हैं इस एक्सरसाइज को। और एक बार पढ़ने के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि हमको एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बनाना नहीं आता। और पढ़ने के बाद आप खुद पढ़ेंगे और खुद बनाएंगे टेंस, आप इस बात में सक्षम होंगे कि आप खुद इस टेंस को अपने आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8, असर्टिव को एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में बदलना। तो एक्सक्लेमेटरी दो तरह के टेंस होते हैं हमारे, एक तो भाव भाट या हाव से शुरू होने वाले होते हैं और एक होते हैं इंटरजेक्शन वर्ड से शुरू होने वाले। दोनों का रूल डिफरेंट होता है, इसलिए हम उसी के अनुसार उसको चेंज करेंगे। दोनों का रूल डिफर है, दोनों को ही अलग अलग तरीके से हम ट्रांसलेट करते हैं। तो आइए पहले हम वाट, और जैसा कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वाट वाला, तो वाट वाले को आप कैसे ट्रांसलेट करते हैं आइए देखते हैं कि वाट आर सेमफुल बिहेवियर। तो इसमें आपको बनाना करना है जो वाट वाला सेंटेंस होता है, वाट या हाव को हम बेरी में बदल देते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले हमको लेना होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको लेना है बेरी या ग्रेट। ग्रेट का प्रयोग जब करते हैं यदि नाउन आया हो, वाक्य में नाउन आया हो, और ग्रेट का प्रयोग नाउन के साथ करते हैं और बेरी का एडजेक्टिव के साथ होता है। बेरी या ग्रेट में बदल देते हैं, प्लस आपका आता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद जो भी अदर वर्ड होते हैं वो आ जाते हैं आपके अदर वर्ड। तो अब आपने स्ट्रक्चर देख लिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वाट ए सेमफुल बिहेवियर सब्जेक्ट के आपको सबसे पहले कह रहे हैं, जो वाट वाला होता है इसमें हमें इट अपनी तरफ से कहीं कहीं छिपा हुआ होता है, तो वाट नॉन लिविंग को शो करता है, तो हम यहाँ इट अपनी तरफ से ऐड कर लेंगे इट। तो इट और वाट ए सेमफुल बिहेवियर, यहाँ इज है होना चाहिए था, तो इट इज, अब ए लगाएंगे, इट इज ए, जो वाट को हमने बदला ए वेरी, क्योंकि शेमफुल क्या है एडजेक्टिव है, इसलिए वेरी शेमफुल एडजेक्टिव आ गया हमारा, शेमफुल बिहेवियर बिहेवियर, ये आपका सेंटेंस हो गया। और इसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। अगला सेंटेंस, हाउ काइंड ऑफ यू, इसमें भी हम पढ़ते हैं जो हाउ काइंड वाले को कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट हमारा होगा यू, ये प्रेजेंट का टेंस है, तो आर, हाउ को हमने बेरी में बदल देंगे, बेरी काइंड, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाली सेंटेंस को बनाएंगे हम, अलास ही इज utterly ruined, जिन सेंटेंसेस में अलास आया, जो इंटरजेक्शन वाले वर्ड होते हैं, अलास को इट इज ए मैटर ऑफ सोरो में बदल देते हैं, अलास को इट इज ए मैटर ऑफ सोरो, अलास इट इज ए मैटर ऑफ सोरो, इट इज ए मैटर ऑफ सोरो। हुर्रे आया हो, इसी तरह से हुर्रे, हुर्रे को इट इज ए मैटर ऑफ जॉय में बदल देते हैं, इट इज ए मैटर ऑफ जॉय, जॉय में बदल देते हैं। अगर ब्रावो आया हो तो
इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज, ब्रावो को ब्रावो, इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज, इज ए मैटर ऑफ प्रेज, प्रेज में बदल देती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा इस करके बाकी वाक्य को सेंट इट इज़ ए मैटर ऑफ प्रेज लगा के या सौरू लगा के दैट जो से इसको हम जोड़ देते हैं। अब आपने रूल समझ लिया होगा, अगर हमारा इसमें अलास आया है तो अलास को हम इट इज़ ए मैटर ऑफ सौरू में बदल देंगे, इट इज़ ए मैटर ऑफ सौरू, मैटर ऑफ सोरो, उसके बाद दैट कंजक्शन लगाएंगे इसको जोड़ने के लिए दैट, और पूरा टेंस ऐसे ही जोड़ देंगे, ही इज अटरली रियूंड, ही इज अटरली अटरली रियूंड। नेक्स्ट सेंटेंस बनाएंगे, हाउ फुलिश आई हैव बीन, जो पहला रूल मैंने आपको बताया था कि हाउ और व्हाट को वेरी या ग्रेट में बदल देते हैं, क्योंकि हाउ के बाद क्या है फुलिश एडजेक्टिव है, तो इसको वेरी में बदलेंगे और सेंटेंस शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या लेना है, सब्जेक्ट लेना है, इसका सब्जेक्ट है आई, हैव लगाएंगे, आई हैव बीन, हाउ को हमने बदल दिया वेरी, उसके बाद हमें क्या लेना है एडजेक्टिव लेना है, तो फुलिश, आई हैव वेरी, आई हैव बीन वेरी फुलिश, फुलिश स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस, वुड दैट आई हैड गॉट सक्सेस, जो वुड दैट आता है उसको हम क्या बदल दें, आई विश में बदल देते हैं, जो वुड दैट आया हो, ओ दैट आया हो, उसको हम आई विश में बदल देते हैं, आई विश में बदल देंगे और वाक्य को जोड़ देंगे दैट के आगे, पूरा टेंस हमारा यूं ही आ जाएगा। तो जो वुड है उसको हमें बदलना है आई विश में, तो आई विश दैट आई हैड गॉट सक्सेस, आई हैड गॉट सक्सेस। नेक्स्ट सेंटेंस बनाएंगे, व्हाट इज सैड न्यूज़, तो ये व्हाट वाला सेंटेंस है, व्हाट वाले में मैंने क्या बताया था आपको कि ये व्हाट वाले में हम एट अपनी तरफ से ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ये व्हाट नजीब को शो करता है नॉन लिविंग को, इसलिए, और ये टेंस प्रेजेंट का है, व्हाट इज सैड न्यूज़, तो इसको बनाएंगे हम इट अपनी तरफ से जोड़ेंगे, इट इज ए और एडजेक्टिव लगाएंगे वेरी सैड न्यूज़। अब मुझे लगता है आपको सेंटेंस सेट करना आ गया होगा। अब देखिए अगला सेंटेंस है हमारा हुर्रे दिया है, और हुर्रे को किस में बदल दिया जाता है, इट इज़ ए मैटर ऑफ जॉय, तो यहाँ इसको इट इज़ ए मैटर ऑफ जॉय लगाएंगे, इट इज ए मैटर ऑफ जॉय, फिर दैट लगाएंगे वाक्य को जोड़ने के लिए, इंटरजेक्शन का मार कट जाता है, दैट माई ब्रदर हैज वॉन द फर्स्ट प्राइज, द फर्स्ट प्राइज। नेक्स्ट, ओ दैट आई वर यंग अगेन, और जैसा कि हमने वुड वा दैट वाला बनाया था, ये भी सेम उसी तरह से बनेगा, अगर ओ दैट आता है तो उसको भी, ओ को हटा कर भी हम क्या कर देते हैं, आई विश में बदल देंगे, और सेंटेंस को दैट से आगे जैसा है वैसा ही लिखेंगे, ओ को बदल के हमने आई विश में बदल दिया, आई विश दैट आई वर यंग अगेन, यंग अगेन, और फुल स्टॉप लगाएंगे, आपका सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, व्हाट ए गुड आइडिया,
यहाँ पे हमारा ये भी बंटवाला है और इसमें भी हमें इट अपनी तरफ से ऐड करना होगा क्योंकि गुड आइडिया नॉन लिविंग है। तो इट इज ए गुड एडजेक्टिव है इसलिए वेरी लगाएंगे, वेरी गुड आइडिया, फुल स्टॉप। अगला क्वेश्चन, हाउ स्ट्रेंज दैट ही सक्सीडेड विदाउट वर्किंग हार्ड। तो यहाँ स्ट्रेंज आया है तो इसको आपको क्या करना है, हाउ को वेरी में बदलना है और स्ट्रेंज निर्जीव है, नॉन लिविंग है, तो आपको यहाँ पे भी इट ऐड करना होगा। इट इज वेरी स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज दैट ही सक्सीडेड सक्सीडेड विदाउट वर्किंग हार्ड, विदाउट वर्किंग हार्ड। उम्मीद करती हूँ आपको ये तीनों रूल अच्छे से समझ में आ गए होंगे, तीनों तरह के टेंस को आपको बनाना भी आ गया होगा। एक बार रिवाइज कर लीजिए अपने माइंड में। जो हाउ और व्हाट वाला टेंस होता है उसमें हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लेना होता है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब लेनी होती है, वर्ब के बाद आपका जो भी एडजेक्टिव है वो लेना है और प्लस अदर वर्ड आपके आ जाते हैं और फुल स्टॉप का लास्ट में यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद आपका ओ दैट, वुड दैट, तो इसको आप इट उसमें बदल देंगे, आई विश, आई विश का यूज़ करेंगे और दैट के आगे पूरा टेंस ज्यों का त्यों जोड़ देंगे, आई विश लगाएंगे, आई विश प्लस दैट प्लस सेकंड क्लोज, पूरा क्लोज आ जाएगा आपका, अगला जो भी दैट के आगे क्लोज होगा वो पूरा आ जाएगा। और इसके अलावा आपका ने एक और रूल पढ़ा था, अलास, हुर्रे, ब्रेवो, तो इनको जोड़ने के लिए आपको क्या करना होता है, अलास दुख को प्रकट करता है इसलिए इट इज़ ए मैटर ऑफ सोरो, हुर्रे खुशी को इसलिए इसको इट इज़ ए मैटर ऑफ जॉय, और ब्रेवो प्रशंसा को प्रकट करता है इसलिए इट इज़ ए मैटर ऑफ प्रेज लगाकर दैट प्लस दैट करेंगे और दैट के बाद अगला क्लॉज जो भी है आप उसको पूरा ज्यों का त्यों जोड़ देंगे। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो और अच्छी लगी हो तो इंटर का एग्ज़ाम देने वाले आपके जो भी साथी भाई बहन हो उनको प्लीज़ शेयर करिए जिससे उनकी भी हेल्प हो सके, उनको भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करें और बताएँ जिससे कि हम ऐसी ही वीडियो और अपलोड कर सकें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।